नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भारत में बढ़ रहा मेडिकल टूरिज्म, 2016 में 2 लाख विदेशी इलाज कराने आए, इनमें 1678 पाकिस्तानी। नई दिल्ली। मेडिकल सुविधाओं के मामले में भारत की रेप्यूटेशन दुनिया में तेजी से मजबूत हो रही है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में 2 लाख से ज्यादा विदेशी इलाज कराने के लिए भारत आए। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बांग्लादेशियों और अफगानियों की है। पाकिस्तान के 1678 और अमेरिका के 296 लोगों को भी मेडिकल वीजा जारी किए गए। बता दें कि अनुमान के मुताबिक देश में मेडिकल टूरिज्म करीब 19,266 करोड़ का है, जो आने वाले कुछ सालों में 3 गुना तक बढ़ सकता है। इलाज के लिए आने वालों में बांग्लादेशी ज्यादा। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक 2014 में केंद्र सरकार ने अपनी वीजा पॉलिसी को आसान बनाया। इसके बाद 2016 में 54 देशों के 2,01,099 लोगों को मेडिकल वीजा दिए गए। मिनिस्ट्री के आंकड़ों की माने तो 2016 में सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों 99,799 को वीजा जारी किए गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान के 33,000, इराक के 13,000, ओमान के 12,000, उज्बेकिस्तान के 4,420 और नाइजीरिया के 4,000 समेत कई देशों के लोग शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 1,678, अमेरिका के 296, ब्रिटिश के 370, रूस के 96 और ऑस्ट्रेलिया के 75 लोगों को भी मेडिकल वीजा दिए गए थे। भारत में क्यों बढ़ रहा है मेडिकल टूरिज्म? पिछले दिनों बिजनेस चैम्बर के सर्वे में सामने आया कि भारत में विकसित देशों के मुकाबले इलाज सस्ता और बेहतर है, इसीलिए इलाज के लिए भारत आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। फिलहाल भारत में मेडिकल टूरिज्म $3 अरब 19,266 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो आने वाले 2 से 3 साल में करीब 3 गुना तक बढ़ सकता है। बता दें कि साल 2012 में 1.71 लाख, 2013 में 2.36 लाख, 2014 में 1.84 लाख, 2015 में 1.90 लाख और 2016 में 2 लाख से ज्यादा विदेशी इलाज के लिए भारत आए थे। कैसी है ई वीजा स्कीम? न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री के सीनियर अफसर ने कहा कि 2016 में ज्यादातर ई वीजा जारी हुए, जिनमें विजिटर्स को भारत आने से पहले ही डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मुहैया कराए गए। सरकार ने 27 नवंबर 2014 को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन ETA या ई टूरिस्ट वीजा स्कीम लॉन्च की थी। सभी टूरिज्म वीजा ऑन अराइवल TVOA इसी के जरिए दिए गए। फिलहाल 160 देशों के लिए यह फैसिलिटी शुरू हुई है। इस स्कीम के तहत इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशियों को ETA की ओर से ईमेल भेजा जाता है, जिसका प्रिंट आउट साथ होने पर वह सफर कर भारत आ सकता है। इसके बाद इमिग्रेशन अथॉरिटी उन्हें देश में एंट्री की इजाजत देती है। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।